सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर बार किस्मत को कसूर देना अच्छी बात नहीं। कभी कभी हम उन्हें मांग लेते हैं जो किसी और के होते हैं। सफल लोगों की सफलता का राज ये भी है कि वो उन कामों को अपनी आदत बना लेते हैं जिनको अक्सर असफल लोग करना ही पसंद नहीं करते। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाले भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। आज का पंचांग 28 फरवरी 2021 दिन रविवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:19 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 9:35 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:59 से 6:25 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 1:05 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर दोपहर 3:07 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 28 फरवरी 2021 दिन रविवार। अभी आपके अधिकारियों में विकास या परिवर्तन हो सकते हैं। आप कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और आपका निवेश अभी व्यर्थ नहीं होगा। दूसरे लोग आपकी प्रतिभा की सराहना करते हैं और आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया या धन संबंधित इनाम देने के लिए भी तैयार हैं। खुशियां आपके पास आ रही है और आप कई गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नए संबंधों के बनने का योग है। नए सिरे से जीवन को देखें और जल्द ही आप अपने जीवन में बदलाव पाएंगे। जितना कठिन और अच्छे से आप काम करते हो उतने ही भाग्यशाली आप हों। रुकावटों और बाधाओं के बावजूद आप अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखेंगे। भाग्य आपके पक्ष में है। आप अपने कार्यों को आसानी से निपटाने में सक्षम भी रहेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही कोई नकारात्मक परिस्थिति आज किसी मित्र की सहायता से संभल जाएगी। राजकीय क्षेत्र से जुड़े लोग अपने शब्दों का उचित इस्तेमाल करें। आपको नीचे गिराने की साजिश आपके करीबी लोगों के द्वारा की जा सकती है। परिवार के लोगों में भी कौन आपके साथ है और कौन आपके विरुद्ध बातें करता है इस बात को जानने की आवश्यकता है। आपके प्रयत्नों द्वारा आप काम में बदलाव तो ला रहे हैं लेकिन इसकी वजह से जिस काम में स्थिरता प्राप्त हो रही है उसको आपके द्वारा नजरअंदाज किए जाने की वजह से नुकसान हो सकता है। पार्टनर की समस्याओं का समाधान देने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। सिर दर्द और माइग्रेन की तकलीफ सुबह के वक्त सता सकती है। आज आप ऊर्जा से भरपूर हैं और काफी मेहनत करने के लिए तैयार भी हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव औरों को भी प्रभावित करेगा। आपकी टीम को आपसे बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। घर पर भी आज आप सामान्य से अधिक जिम्मेदारियां उठाएंगे जिससे आपके सहकर्मियों को खुशी होगी। आपको बस यह देखना है कि यही स्थिति लगातार बनी रहे और आपको भी कोई परेशानी ना हो। अदालती मामलों में अनुकूलता रह सकती है। यदि आपकी अधिकारी महिला है तो उनके साथ तालमेल को लेकर संभल कर रहें। हड्डी की पुरानी चोट फिर से तकलीफ दे सकती है। सफलता की गाड़ी आपकी मनचाही दिशा में आगे बढ़ सकती है। मोटर बाइक कंपनियों को अच्छा लाभ हो सकता है। कमर दर्द परेशान कर सकता है, ध्यान रखें। आईपीएस अधिकारियों को करियर में लाभ हो सकता है। संपत्ति संबंधित लाभ भी हो सकता है। निजी जीवन में झटका लग सकता है, ध्यान रखें। सावधानियां, अपने बजट को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सीमित और संतुलित रखें। अगर भूमि अथवा वाहन के लिए ऋण लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अपनी क्षमता से अधिक ना लें।
घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बन सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच किसी अन्य व्यक्ति को लेकर कोई गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि थोड़ी सी सूझबूझ द्वारा अपने संबंधों को खराब होने से बचा सकते हैं। आपका बेहतरीन रहन सहन काफी लोगों को आपकी ओर आकर्षित, लेकिन उनमें से अधिकतर काफी चालाक हैं और आपसे प्यार करने का दिखावा कर सकते हैं। ऐसे समय में केवल सकारात्मकता पर फोकस करें कि आप अकेले नहीं हैं। नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दे कि आप अकेले हैं, यह तो बस शुरुआत है और अभी आपको बहुत से चाहने वाले मिलेंगे। लव लाइफ के संकटों के कारण आप सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने फिरने या फिल्म देखने का आमंत्रण आपको मिल सकता है। प्रेम में अधिकता और भावुकता अभी आपको परेशानी में डाल सकती है। एक नया रिश्ता शुरुआत में मीठा लग सकता है, लेकिन बाद में यह एक पल की खुशी से बढ़कर और कुछ हासिल नहीं होगा। आज आपको कुछ बेहतरीन उपहार मिलने वाले हैं, इसीलिए तैयार रहें। किस्मत भी पूरी तरह से आपके साथ है, इसीलिए अपने साथी को रिझाने के कोई भी मौका ना छोड़ें। लोगों पर विश्वास रखना सीखें। बात करते हैं करियर की। जल्दी ही आपके करियर में बड़ा परिवर्तन आएगा। वह हो सकता है कि आपको सरकार और संबंधित एजेंसियों के साथ काम करने का मौका मिले। यह समय अपने कौशल और गुणों का मूल्यांकन करने का है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने नेतृत्व में आप कंपनी को नए मुकाम तक ले जाएंगे। आज उन चीजों पर अधिक ध्यान दें जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में नए और रोचक रिश्ते की संभावना है। अपना जीवन जीने का नजरिया बल दें, इससे अपने भाग्य में परिवर्तन पाएंगे। भय का सामना नए रास्ते खोलेगा। आज आप व्यवसायी की तरह सोचेंगे और धन पर नियंत्रण रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि धन तो संचित होगा पर आपके परिवार के खर्चे बढ़ेंगे, जिसका उत्तर आपको ढूंढना होगा। असुरक्षा की भावना की वजह से आप जरूरत के खर्चों पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की कृपणता की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा, क्योंकि आपका धन प्रवाह सुचारू रहेगा। बात करते हैं सेहत की। यह समय कुछ की साहसिक कदम उठाने के लिए बिल्कुल ठीक है। यह कदम पीछे खींचने का समय नहीं है। कोई निर्णात्मक कदम उठाएं और अवसरों का लाभ उठाने से ना चूकें। जीवन में इस समय विश्वास से उठाया गया एक कदम आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें, अच्छे और पौष्टिक चीजें ही खाएं। आज का उपाय, आज अब गरीबों को गेहूं का दान करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।